निरसा थाना क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद रोविंद चंद गुराई ने कालूबथान ओपी के बेनागोड़िया पंचायत के मुखिया अशोक महतो पर आरोप लगाया है कि सीएमआर कोयला भट्टा प्रतिदिन 400 से 500 एमटी अवैध कोयला की निकासी कर 14 और 16 चक्का वाहन से बिहार के बाजारों में बेचा जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने जब थाना प्रभारी को की तो उन्होंने कोयला माफिया के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे मुझ पर ही मुकदमा करने की बात कहने लगे और मैं 50 लाख रुपए देकर यहाँ आया हूँ, यदि तुमको भी कोयला चाहिए तो 40 लाख प्रति सप्ताह देकर ले जा सकते हो। इसकी शिकायत मैंने कई जगह किया लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं डीसी के यहाँ मिलने आया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 29 दिसंबर को डीसी के गाड़ी के कूद कर आत्महत्या कर लेने की आवेदक बात कही। कालूबथान क्षेत्र में अवैध कोयले का कारोबार बहुत जोर शोर चल रहा है और जिसे लिखित शिकायत बार बार करने के बाद बावजूद भी किसी तरह का कार्रवाई नहीं हो रहा, तो जिससे लेकर आज मन बनाए हैं कि 7-8 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, इसमें लिख के दिए हैं, अगर कार्रवाई इस पर नहीं होता है तो फिर ये जिंदगी जीना बेकार है, हमें अगर न्याय नहीं मिले तो इतना लिखा पढ़ी करना बेकार है। वो आगामी 20 तारीख को 20 दिसंबर 23 को माननीय उपायुक्त महोदय के गाड़ी के आगे कूद कर हम जान देने के लिए भी तैयार है। कौन है जो कालूबथान क्षेत्र में काम कर ये है? एक वहाँ के लेदाहरिया पंचायत के मुखिया है जिसका नाम है अशोक महतो। और भी सारे भट्टा चल रहा है और उसमें हम जो लिखित दिए हैं ये लिखित में सारा विवरण दिया हुआ है कि एक तरफ केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल के पर्यावरण को रोकने के लिए, वातावरण को दूषित ना हो इसे रोकने के लिए वन विभाग के माध्यम से लाखों करोड़ों खर्च करके पेड़ पौधा लगाया जा रहा है, जिस पेड़ पौधा को वो माफियों द्वारा जेसीबी मशीन लगा करके काट करके उखाड़ करके और कुआनामा खदान करके उससे अवैध कोयला लोग निकलता है। लोकल थाने में शिकायत किए, थानेदार बोला, हम इसमें टाइम मेंशन कर दिए हैं, थानेदार बोले कि बुलाएं हमको फोन करके, लगे आपको भी कोयला का कारोबार करना है तो आप भी 40 लाख रुपया प्रति हफ्ता दीजिए और कोई एक भट्टा चलाइए, ये टाइम डेट सारा मेंशन किया हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा में कैद है। क्या लगता है कि लोकल थाने की मदद से? लोकल थाना बिना मिले हुए कैसे काम चलेगा, कोई एक रोड़ी पार कर ले? इसके लिए क्या किसी का शिकायत किया? उपायुक्त के तरफ से क्या आश्वासन मिला है? वो तो बात नहीं कर पाए, वो थोड़ा बाहर निकल बोले कि बाहर निकल रहे हैं, हड़बड़ी में थे, वो चलते चलते सीढ़ी से ही उतरते उतरते निर्णय है, अगर जो टाइम दिया हुआ इस टाइम के अंदर नहीं होता है तो मान लेंगे गाड़ी के नीचे अपना जान गंवा देंगे, ऐसा जिंदगी जीना बेकार है जहाँ न्याय नहीं है। न्याय मिलना चाहिए, चाहे मेरा जान का कोई परवाह नहीं। अभी आश्वासन डीसी साहब ने दिए कि आप लिखित दे दीजिए, लिखित हम दे दिए हैं, देखिए हर जगह रिसीव कराए, डीओपो साहब को कई बार फोन करके बोले कि लेकिन डीओपो साहब इस पर एक्शन नहीं लिए, दिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय डीजीपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीसी साहब को। अरे ये कालूबथान आज इधर 2 महीना से चल रहा है, बड़े मतलब एक एक भट्टा में 15-20 ट्रक कोयला लोड होकर निकल रहा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का पतला रोड है और वो रोड भी जर्जर हो रहा। नहीं, जीएम उनके पास नहीं गए, प्रशासन से आगे जीएम थोड़ी है, जीएम भी सब। क्या नाम? मेरा नाम रोबिन चंद्र गोराई, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष धनबाद।